नमस्कार, आपके साथ मैं राजेश मौजूद हूँ एक बार पुनः आप सभी के बीच में। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगाराम जी की। जो हमेशा पार्डर में अगर हम बात करें तो हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। और जो हमेशा अपने पार्डर वासियों के साथ और हिंदुत्व के साथ हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई हो। लेकिन आज वही गंगाराम जी जो है उन्हीं को जो है एक ऐसी पार्टी का दामन थामे हुए है और वही पार्टी इनको आज इग्नोर कर रही है। यही जानेंगे कि क्यों आज के समय में भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक अपने आप को राष्ट्रहित में काम करने वाली पार्टी कहती है, जो कि अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है, जो कि अपने आप को हिंदू के कार्य करने वाली पार्टी कहती है, वो क्यों ऐसे कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर रही है। आखिर आज भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी एक भगोड़ों की फौज बन चुकी है। ऐसे लोग जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उछलते रहते, मेंढक की तरह उछलते रहते, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे अच्छे ओहदों पर है और उन्हीं को क्यों आखिर ये सम्मान दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं गंगाराम जी से। गंगाराम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पर हिंदुत्व का सबसे बड़ा भरोसा था, और आज वही भारतीय जनता पार्टी में ये कहीं ना कहीं भगोड़ों की जो है फौज भर्ती होती जा रही है, इसमें आपका क्या कहना है? नमस्कार राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, उतनी तो मेरी औकात नहीं कि मैं आपको सब कुछ बता सकूँ पार्टी के बारे में। पार्टी बहुत बड़ी है। हाँ, इसमें मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पार्डर की इकाई या डिस्ट्रिक्ट की इकाई ने जो काम कर रहे हैं, वो हो सकता है उनकी नज़रों में अब हम उस लायक ना रहे जो हिंदुत्व के लिए जीते थे, हिंदू को जागरूक करते थे, देश के प्रति मतलब उनको देशभक्ति जगाते थे उनके दिलों में। वो चीज़ उनको अब अच्छी ना लगती हो। अब उन्हें भी वैसे ही लोग चाहिए जो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए चपलूसी करके, मतलब पैर छूकर हाथ जोड़कर अपने काम को निकालने के लिए आगे तत्पर हमेशा रहते हैं। वैसे ही लोगों की उनको शायद ज़रूरत हो, हम जैसे लोगों की ज़रूरत ना हो, ये उनकी अपना पार्टी का शीर्ष अधिकारियों का मामला। मैं तो हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो भी हेड है इस पार्टी के, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये वीडियो उन तक पहुंचे, क्योंकि जो भी वो तादाद यहाँ पर जमा कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। जो हिंदुत्व के लिए जीते थे, जो अपने प्राण प्रतिष्ठा के लिए त्यागने को तैयार थे, ऐसे जैसे लोगों को, कर्मठ कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करें, उनको पूछा तक नहीं जा रहा है। ये तो बहुत दुखद भरी बात है। लेकिन वो शायद ये समझते हैं, वो ये जानते हैं, क्योंकि अगर वो उन लोगों को नाराज़ करे तो वो उनको छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, किसी और का दामन थाम लेंगे, क्योंकि उनको स्वार्थ सिद्ध करना है। हम जैसे लोगों को नज़रअंदाज करने में उनका ये कि मतलब मकसद है कि इनको चाहे मिले कुछ चाहे ना मिले, इनको बात करो चाहे नहीं करो, ये तो दृढ़ संकल्पी हैं, ये तो मरते दम तक कहीं जाने वाले है ही नहीं, इसलिए इनको नज़रअंदाज करो तो चलेगा, उनको चाहिए सिर्फ वोट। हाँ, ये बात अलग है कि देश को एक मतलब अभी बहुत सारे कानून ऐसे लागू किए हैं कांग्रेस ने अपने टाइम पर, जिनको तोड़ने के लिए भाजपा को 400 पार करना बहुत ही आवश्यक ज़रूरी है। हो सकता है उस चीज़ को पूरी करने के लिए ये लोग उन चापलूसों को टीम तैयार करके ये समझ रहे हैं कि शायद इन लोगों का साथ जोड़कर हम आगे निकल जाएं तो ये कहीं नहीं जाने वाले, ये हमारे साथ ही रहेंगे। तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये अटल जी ने कहा है कि बेशक आप जोड़ो, नए जोड़ो, ऐसी बात नहीं कि जोड़ो नहीं, हम उनमें से नहीं है कि आप किसी को जोड़ो नहीं, सिर्फ हमें ही रखो, बिल्कुल भी नहीं। आप जोड़ो जो हिंदुत्व के लिए जीते, जो नए नए यंग नौजवान हैं उनको जोड़ो, उनको साथ चलाओ। लेकिन ये तो नहीं जो लोग आज तेरे साथ हैं कल किसी और के, परसों किसी और के, जो किसी के सके हैं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर मैं तो कहता हूँ पार्टी को ही बदनाम कर रहे, पार्टी की बदनामी होगी। और एक दिन जैसे इस समय की पार्टी के हालात है, मैं चाहता हूँ भगवान ना करे ऐसा हो, जैसे इस समय की तादाद अभी ये जमा कर रहे हैं वैसे इनको लगता है जहाँ 95% या 98% पार्टर से इनको वोट मिलता था, अब वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि ये लोग जिनकी जिन लोगों को लाकर फौज तैयार करने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है, ये बात मैंने सुनील शर्मा जी को भी कई बार की है कि आप मुझे बताओ कि आप हिंदुत्व वाले आने वाले जनरेशन को हिंदुत्व के लिए मतलब राष्ट्र के लिए जीने वाले जनरेशन पैदा करना चाहते हो या चपलूसों की तादाद, मतलब हर इंसान फिर वही चपलूस बनेगा क्योंकि उनको पता है
चपलूस बनोगे तो अपना स्वार्थ सिद्ध होगा। अगर गंगा मतलब किसी भी मरे गंगाराम की उनको मतलब मिसाल दी कि गंगाराम की तरह देशभक्ति करोगे, देश के लिए जियोगे, हिंदू समाज के लिए जियोगे, हर पल आगे रहोगे, मरने के लिए मतलब मरने से भी कोई डर नहीं रहता, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करोगे तो जाहिर सी बात है लोग हमारी तरह क्यों बनेंगे, कोई भी नहीं बनेगा हमारी तरह। गंगाराम जी आपसे जानेंगे कि एक समय था जब आपकी पॉपुलरिटी पार्डर में बहुत ज़्यादा हुई थी, मैंने एक वीडियो आपका देखा है जिसमें लाखों व्यूज हैं, मुझे नहीं लगता पार्डर में किसी भी इंसान की कोई भी वीडियो इतनी चली होगी, उसमें लाखों लोगों ने आपकी उस वीडियो को देखा, इसका मतलब ये है कि आप इतने चाहते पार्डर के बन चुके थे, लेकिन धीरे 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 आज वही इग्नोरेंस की वजह से आज गंगाराम जी कहीं नज़र नहीं आते, किसी पब्लिक रैली में नज़र नहीं आते, आज कहीं आपको बिल्कुल पूछा नहीं जाता है। क्या आपको नहीं लगता, जैसे आपने पहले बोला कि अटल जी ने भी कहा कि अपने जो असली कार्यकर्ता है उनको भूलने की उनको भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि नए के चक्कर में मेंढक की तरह जैसे मैंने पहले बोला कभी यहाँ उछलेंगे कभी वहाँ उछलेंगे कभी वहाँ उछलेंगे, उनको खुश करने के चक्कर में कहीं अपना ही परिवार ना बिगड़ जाए। तो कहीं मुझे आपसे ये जानना है कि कहीं पाडर की जो इकाई है उनको ये डर तो नहीं है कि अगर गंगाराम जी को कोई दायित्व दे दिया जाए तो हमारा पत्ता ना कट जाए? बिल्कुल, ये तो साफ सफाई दिखाई देता है। देखो एक बात मुझे बताओ ना, मुझे एक भी वो गलती बताएं मेरे कि गंगाराम की इसने ये गलती की इसलिए हम इसको नज़रअंदाज करें, मतलब इसके साथ नहीं जा रहे। जबकि जब भी आज तक जब पार्टी कुछ भी नहीं थी, किसी वजूद में थी, सिर्फ और सिर्फ एनसी के साथ हर जगह मतलब सेंटर में कांग्रेस और इधर में, तब उनको जब भी किसी को ये जो आज बड़े बड़े अहदे लेकर बैठे इनको जब भी ज़रूरत पड़ती थी बस गंगाराम को फ़ोन करना, और गंगाराम हर समय हर पल इनके मतलब तत्पर रहता था, हिंदुत्व काम करने के लिए आगे आगे रहता था। अब इन्होंने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया, यूज़ किया, और मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि मुझे अभी भी मतलब यार दोस्त जो मेरे खास वो बोलते यार तुझे इस्तेमाल करते तू क्यों होता है, मैंने कहा मैं मरते दम तक देश के लिए जब जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे मैं एक पल भी मतलब सब्र नहीं करूँगा कि सोचूंगा आऊँ कि नहीं आऊँ, बिल्कुल हर पर तैयार हूँ। आज उन लोगों का मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया, उन लोगों को जब जरूरत थी तब गंगाराम ने उनका साथ दिया, आज उनको पता है कि गंगाराम हमारे साथ रहेगा तो हो सकता है हमसे आगे निकलना जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर जिसको आगे निकालना चाहता है, जिसको जहां लेना चाहता है, वो उसकी मर्जी है, मेरी क्या औकात है कि मैं उनका पता काट सकता हूँ, या वो जो समझ रहे हैं कि हम गंगाराम के पता काटते, वो भी उनकी एक भूल है कि मेरा पता काटेंगे। मैं जो हूँ वो हूँ, मैं मरते दम तक समाज सेवा, मैंने जेल में आप यकीन नहीं मानोगे, जेल में जाने के बावजूद भी मतलब 23 दिसंबर 2016 रात के 3 बजे गीता पढ़ते पढ़ते ये कसम उठाई है कि मेरा ये दूसरा जन्म है, अब मैं इस जन्म से मतलब जेल से जैसे बाहर निकलूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुत्व के लिए जीऊँगा, अपने हिंदू समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए जीऊँगा। उसी सपने को मतलब साकार करने के लिए थोड़ा मैं मायूसी कभी कभी आती है दिल में कि जिन लोगों को देख कर मैंने ये कसम खाई थी वो लोग आज मेरा साथ छोड़ गए, वो मेरा साथ देख कर राजी नहीं है, वो हिंदुत्व के काम करके राजी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे जा रहे हैं, और वो ये मतलब उनके दिल और दिमाग में मुझे भी लगता है यही चल रहा है कि अगर हम गंगाराम को साथ लेकर चले कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पता काट जाए हमसे आगे निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी से आगे नहीं निकल सकता, वो आपकी अपनी करनी है आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको मतलब पीछे धकेलना होगा ऊपर वाले ने तो कभी भी धकेल सकते हैं, आज आपको वोदे हैं कल नहीं होंगे, सारी ज़िंदगी तो आप वोदे पर रहेंगे नहीं, ये तो क्लियर है, कल कोई और आएगा परसों कोई और आएगा। ये पार्टी एक पर निर्भर नहीं है, ये पार्टी जब शुरुआत हुई थी तब सिर्फ और सिर्फ देश मतलब राष्ट्र हित के जीने वाले लोगों की फौज तैयार करनी थी, और धीरे धीरे इसको कई मतलब 50 साल लग गए, 40-80 में ये बने थे, आज 40-45 साल हो गए, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मतलब ये चल रहा है कि पार्टी इतनी बड़ी, आज ये लोग इनको कहीं और संभावना। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज कहीं भी देखा जाए तो मोदी जी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, आज चाहे आप पंचायती चुनाव देखें, चाहे आप असेंबली चुनाव देखें, चाहे आप लोकसभा का चुनाव, तो कब तक मोदी जी का चेहरा लेकर और मोदी जी का नाम लेकर जो है ये लोग वोट मांगते रहेंगे? और ज़मीनी सतह पर अगर बात करें तो जो ज़मीनी सतह के जो कार्यकर्ता आज कहीं ना कहीं लोग उनसे मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर यही कहूँगा कि मैं देखो ये तो थोड़ी सी नाराज़गी तो हमें भी है, लेकिन नाराज़ हम जीते जी जीते में नाराज़ होंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि शीर्ष पार्टी को अपने निचले स्तर के कार्यकर्ता पर नकेल कसनी चाहिए और उनका अपना रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार करना चाहिए कि अगर हमारा कहीं BDC है, DDC है, सरपंच है, तो उसने अपने सतह पर क्या किया, अपने काम गिना कर वोट दें? क्या आपको नहीं लगता इस चीज़ पर भी देखना चाहिए? देखना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आज ये पार्टी के जो भी वर्कर हैं, जो भी मतलब आगे निकले, वो इस काम को देखते नहीं कि हम कुछ करें, सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम। देखो ये तो मोदी जी
अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो इतना मतलब फैसला ले सकते हैं कि दिल्ली में अगर वो 6 सांसद मतलब चेंज कर सकते हैं, नए इंसानों को मौका दे सकते हैं, नौजवानों को या नए बंधु को मौका दे सकते हैं, तो फिर जे एंड के में क्यों एक ही बंदे को लगातार आप लग रहे हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह माना हमने काबिल है, उसको रखो आप सेंटर में जैसे, लेकिन कम से कम इस कंस्टिट्यूंसी में उधमपुर भद्रवाह डोडा कंस्टिट्यूंसी में आप किसी मतलब ऐसे इंसान को लाओ जो समाज के हित का काम करे, जो समाज के साथ मिले, समाज के साथ चले। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी काबिल हैं, लेकिन वो दिल्ली में मोदी के साथ क्या काम करते क्या नहीं करते हमें तो उसकी कोई इलम नहीं है, लेकिन पब्लिक के साथ उनकी कोई डीलिंग नहीं, बिल्कुल भी डीलिंग नहीं है। आज पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी में वही डॉक्टर जितेंद्र जी का दौरा तक नहीं रखा गया, और यहीं की इकाई जो है वो कहीं किश्तवाड़ में ऐसे सुनने को मिल रहा है कि किश्तवाड़ में जाके कहते हैं कि पार्टी आने की कोई आवश्यकता नहीं है, पार्टी में सब कुछ मिल चुका है, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे जो वही को नहीं लगता कि उनको पार्टी में आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए, हमारे जो पार्टी की इकाई है उनकी गलती है कि वो मतलब ये सोचकर नज़रअंदाज कर रहे हैं कि पार्टी का हर युवा मतलब देश हित के लिए जीता है, हर इंसान देश हित के लिए जीता, और नरेंद्र मोदी की देन है कि बुजुर्ग तो कोई कहीं जाएगा नहीं क्योंकि उनको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है और मुफ्त राशन मिल रही है, सिर्फ मोदी के नाम पर वो वोट लेंगे, उनको पता है पार्टी तो मोदी के नाम पर हर कोई वोट देगा, तो फिर डॉक्टर साहब को लाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए उन्होंने बताया होगा कि नहीं ज़रूरत है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा ये सरासर गलत है, कम से कम डॉक्टर साहब को ये चीज़ें सोचनी बहुत ज़रूरी है। मुझे एक बात का और भी दुख हुआ, जबकि मतलब शिक्षा भारती हिंदुस्तान की जो शिक्षा भारती एसोसिएशन है उन्होंने उसको लाया मसू में BBM स्कूल में उद्घाटन करने के लिए, बहुत दुख की बात है, लेकिन वहाँ बोलने वाले भी वैसे लोग थे और आगे निकलने वाले भी वैसे लोग थे, वहाँ उन्होंने उस रोड को देखते हुए जहाँ से वो पैदल चले ऊपर के लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि MP हैं, एक PMO है, वो जो कहेंगे उसको दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती, वो अगर मोदी को कहेंगे कि जनाब यहाँ ये ज़रूरत है, वहाँ ये फंड्स चाहिए, वो टन से मिल जाएगी, वहाँ उन्होंने उस रोड को देखते हुए भी मतलब 2-4 लाख रुपए का भी फंड्स नहीं दिया, चुपचाप आए चुपचाप चले गए, किसी की तरफ कोई देखा ही नहीं, क्योंकि उनको लगता होगा कि पार्टी एक राष्ट्रवादी समाज है, वो राष्ट्रवादी समाज कहीं जाने वाला नहीं है, चाहे हम जाएं चाहे ना जाएं, चाहे कुछ करें या ना करें। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी गलती है। खैर ये तो मतलब बहुत लंबा इलेक्शन है, इसमें शायद डॉक्टर साहब जीत भी जाएं क्योंकि वो ये सोचकर जीत जाएंगे मोदी। मुद्दा हमारा ये नहीं कि डॉक्टर जितेंद्र साहब जीतते या नहीं जीतते, मुद्दा हमारा ये है कि जो जमीनी सतह का कार्यकर्ता है, जो पार्टी, अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी में आज ऐसे बहुत सारे युवा है जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो राष्ट्र के हित में करना चाहते हैं, जो अपने पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है कि नहीं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वही भारतीय जनता पार्टी आज ऐसे अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में पार्टी का विकास हो पाएगा ऐसे? बिल्कुल नहीं, ऐसे तो विकास होना असंभव है, ये बात अलग है कि चलो सुनील शर्मा ने जो काम किए हैं पार्टी के लिए अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन जो ग्राउंड लेवल के काम है वो एक भी मतलब अच्छी तरह हर मतलब हर इंसान को अपनी जगह पूरी नाराज़गी है पार्टी की इकाई से, हर किसी को नाराज़गी है, हर नौजवान को नाराज़गी है, हर बुजुर्ग को भी नाराज़गी है, हर कोई मतलब हमेशा हमारे पास भी आते रहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हम तो पहले तो चलो शुरू में हमने भी कोशिश की चलो काम करने की कोशिश करें, लेकिन जब उन पर आगे सुनवाई ना होने लगी तो हमने सोचा नहीं होती है तो अब आगे जो शीर्ष लोग हैं उनसे को पूछा जाए। वही 5-7 चेहरे पार्टी के पहले भी थे और आज भी है, क्यों नहीं लोगों को जो है कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया जाता? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैं पार्टी के मतलब जो शीर्ष अधिकारी उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि नौजवानों को मौका दिया जाए, उनको आगे निकाला जाए, बहुत खुशी की बात होगी, पार्टी में ऐसे मतलब देशभक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस ये चीज़ देखते हुए कि जिन लोगों ने देश के हित में काम किया उनको नज़रअंदाज करके वो खड़े लाइन में रखकर मैं साइड में रखकर वो बेचारे अपने घर को खाने को तरस रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं, तो उनको देखकर फिर जो भी देशभक्त होगा उसका भी मतलब माइंड बदल जाएगा, ये तो गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी अपना दिमाग चेंज कर देगा कि नहीं यार देशभक्ति करने से क्या फ़ायदा, अपना आपको बर्बाद नहीं करना है। इसलिए आज हिंदुस्तान में मैक्सिमम हिंदू तो यही मतलब मैक्सिमम हिंदू अगर गिरा है तो इसी वजह से गिरा है क्योंकि वो स्वार्थी है, तो और ज़्यादा स्वार्थी पैदा होंगे क्योंकि उनको पता है स्वार्थी इंसान आगे निकल रहा है, वो चपलूसी करके आगे निकल रहा है, और जो मतलब अपना आपको सच्चाई पर चलने वाले दृढ़ संकल्पी लोग हैं तो उनको साइड लिया जा रहा है, तो फिर हम क्यों बने ऐसे, क्यों बने ऐसे, फिर कौन बनेगा? ये बहुत बड़ी दुख भरी एक बहुत बड़ी बात जो है गंगाराम जी ने कही, और वास्तव है वास्तविकता है, आज ये सच्चाई हो चुकी है कि जो इंसान असल में अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो असल में जो है राष्ट्रहित के बारे में बात करना चाहते उसको कहीं नहीं पूछा जाता है, और जो इंसान 10 जगह पर चिल्लाता है, जो इंसान हमेशा ऐसे ऐसे लोगों के पक्ष लेता है और
ऐसे राष्ट्रवादी पार्टीज़ की जो कि अपने आप को मानती है इनके खिलाफ़ बोलते हैं, उनको तुरंत से जो एक अच्छा दायित्व दिया जाता है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाया जाता है और अच्छे अच्छे मंच दिए जाते हैं ताकि वो बोल पाए और हमारे खिलाफ़ ना बोले, ताकि यहीं पर आके जो है भारतीय जनता पार्टी में आकर अपना वो रंग रूप जो है दिखाते रहे। तो गंगाराम जी, अंत में आपका क्या संदेश रहेगा पाडरवासियों से? मेरा तो पाडरवासियों से ये दोनों हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि चलो जैसा भी है अभी हो सकता है, मतलब उन लोगों को थोड़ा अपने दिलो दिमाग में बहुत सवार है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ किसी का कुछ नहीं चलने वाला। पाडर के हर बच्चे से, हर नौजवान से, हर बूढ़े बुजुर्ग से मैं दोनों हाथों का विनती करना चाहूँगा कि भूलकर भी अपना आपको उन लोगों से वरिष्ठ होकर, मतलब नाराज होकर आप ऐसा फैसला ना लें कि आप किसी और को वोट दें। वोट आप नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करें, क्योंकि हमने अभी देश के लिए जीना है, देश को आगे मतलब बढ़ाना है। अगर हमने देश को आगे बढ़ाना है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और देश में जो काले कानून बने हैं उनको ख़त्म करना है, तो हमें नरेंद्र मोदी का साथ देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी अगर एक खंबे को भी बोलेंगे कि इस खंबे को वोट देना आपने, तो हम तो उधरी वोट देना है। हम तो अपने जीते जी कई लोगों ने मेरे साथ मतलब बहुत बार मतलब बातचीत की कि आ जाओ इधर ये देंगे वो देंगे इतना आपको बेनिफिट देंगे। मैंने कहा भाई साहब जीते जी तो नहीं कर सकता हूँ ये चीज़, अपने बेनिफिट के लिए मैं ये चीज़ जीते जी नहीं कर सकता। हाँ, मरने के बाद क्या होगा वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अपने जीते जी में भारतीय जनता पार्टी सेवा के सिवा किसी और को वोट दे ही नहीं सकते। बेशक वो हमें हमारे काम करे ना करे कोई बात नहीं, हम घर में अपना। गंगाराम जी, अगर आपका ये मानना है कि खंबे को भी उठा दिया जाए उसको वोट देते रहें, तो आपका जो संकल्प है, आप जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, आप जो अपने पार्टी की सेवा करना चाहते हो, कैसे करेंगे आप? चलो वो तो देखो, वो तो जो मेरा संकल्प है वो करने के लिए और सारे बहुत सारे रास्ते हैं भाई साहब। ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी ही एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसके साथ मिलकर देश की मतलब अपने हिंदुत्व की हिंदू जो समाज है उसकी सेवा कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे मतलब एजेंसियाँ हैं, बहुत सारे मतलब संगठन है जिनके साथ हम जुड़कर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की, हिंदू समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चुप तो हम बैठे नहीं और ना कभी बैठेंगे। आप यकीन मानोगे पार्टी के एक किसी एक को भी पूछो कि गंगाराम को जब जहां जिसने बुलाया अपना काम छोड़कर पहले उनके काम के लिए जाना। क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीति में पार्टी के ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में जैसे पाडर कंस्टिट्यूंसी जो अलग बन चुकी है, ताकि पाडर का अपना एमएलए हो, ताकि पाडर का अपना एक अच्छा नेतृत्व हो? बिल्कुल ऐसे कैसे चलेगा? अगर कि हम किसी को भी खंबे को भी वोट देते रहें, तो कब तक बाहर के लोग हम पर राज करते रहे, कब तक खंबू को हम वोट देते रहेंगे, और कब तक हमारे विकास की जो धारा है उसको हम रोकते रहेंगे? बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि कब तक हम इंतज़ार करते रहेंगे। वो मतलब ऐसे इंसानों को उठाते रहेंगे जो बाद में एक मतलब 0% भी लोगों का काम करके राज नहीं, कब तक हम वैसे चलेंगे? फिर तो मजबूर होकर कोई ना कोई तो रास्ता मतलब पार्टी की जनता को भी उठाना पड़ेगा। अगर वो मतलब क्या गंगाराम जी ऐसा रास्ता अपनाने के लिए तैयार है कि अगर ज़रूरत पड़े तो पाडर में राजनीति में घुसकर पाडर की अगर सेवा करने की आवश्यकता पड़े, और भारतीय जनता पार्टी अगर गंगाराम जी पर भरोसा नहीं करती है, गंगाराम जी पर नहीं करती, तो क्या गंगाराम जी दूसरा रास्ता अपनाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, ये देखो मैम, दूसरा रास्ता बिल्कुल अपनाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे, लेकिन हम ऐसे मतलब ऐसे इंसान को देखना चाहेंगे कि जो हिंदू समाज के लिए जिए, हिंदुत्व के लिए जिए। ऐसे इंसान को अगर पार्टी नज़रअंदाज करती है, तो मैं खुद चाहता कि पार्टी की पूरी जनता एक बार पार्टी को ये दिखा दे कि आप जिन लोगों की हमें ज़रूरत है उन लोगों को नहीं देते, तो हम आपको दे देंगे वो लोग, जिताकर उनको इंडिपेंडेंट जिताकर फिर आपके पास भेजेंगे। वो जाएगा कहीं नहीं, ठीक है, लेकिन जाए रहेगा वो बीजेपी में, लेकिन इंडिपेंडेंट जिताकर हम उनको दिला सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो जो मर्जी करते रहेंगे तो वो हम सारी ज़िंदगी मरते दम तक उसको सहते रहें, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान सारी ज़िंदगी वो हमारे साथ गलत व्यवहार करते रहे, हम हर बार उसको माफ़ करते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये और एक राष्ट्रभक्त समाज का ये भी एक पहचान है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए और बुलंद करके आवाज़ उठाए। बिल्कुल एकदम सत्य है ये कि अगर मतलब जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए तो मुझे इसीलिए नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि हर बार कहीं कोई भी बात होती है तो मैं उसमें बात काटने में बीच में आ जाता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है। इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, हमारी बात काटने वाला कोई ना हो, सिर्फ और सिर्फ चपलूसी करने वाला हो, जो सिर्फ और जी करे हमारे साथ, बस उनको जी हजूरी करे, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जबकि ऐसे लोग आने वाले समाज के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ा हानिकारक हो सकते, बहुत बड़े, थोड़े नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गंगाराम जी, आपने बात की। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भाजपा इकाई किश्तवाड़, और जिसका हमेशा जो एक बड़ा चेहरा माना जाता है सुनील शर्मा जी, मैं उनके भी ध्यान में रहना चाहता हूँ कि वास्तविकता है, ज़मीनी वास्तविकता है। आज
आपके ही अपने कार्यकर्ता भी के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आम कार्यकर्ता, आम जनता जो है वो उसकी विचार क्या होगी। तो आपको ज़रूरत है कि आज कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए जाए, जैसे गंगाराम जी ने कहा कि अगर मोदी जी सेंटर में मिनिस्ट्रीज को बर्खास्त करा सकते हैं तो ज़मीनी सतह में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की भी छटनी करके एक अच्छे कार्यकर्ता के हाथ में जो है पार्टी की बागडोर दे सकते हैं। फिलहाल आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अभी आपसे विदा लेना चाहेंगे, धन्यवाद।